हिमाचल प्रदेश के लोग 15 महीने की कांग्रेस की सरकार से अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं और लगता है उनके साथ छल किया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली में हुंकार भरी। उन्होंने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेने के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी जमकर लताड़ा। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की चारों सीटें बीजेपी जीतेगी, साथ ही साथ उपचुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की गाड़ी 14 महीने में ही हांफ चुकी है। ये बातें उन्होंने उस वक्त कही जब मुकेश अग्निहोत्री रायबरेली में राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए हुए थे। हिमाचल प्रदेश के लोग 15 महीने की कांग्रेस की सरकार से अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं और लगता है उनके साथ छल किया गया है और अब उनको बदला लेने का मौका है। उन्होंने देखा जैसे देश में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, ईमानदारी से सरकार को चलाया, सेनाओं को सशक्त किया, सीमा सरहद को सुरक्षित किया, समाज में एकजुटता को बढ़ाया, सबकी संपत्ति को बचाया, सम्मान भी दिया, तो सनातन धर्म को भी बचाया, विकास भी की, विरासत भी, और अब जनता ने मन बनाया है फिर एक बार मोदी सरकार लेके आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दी, 1.5 लाख करोड़ रुपया फसल बीमा का मुआवजा दिया, कांग्रेस के समय MSP की खरीद मात्र 5.5 लाख करोड़ थी, मोदी सरकार के समय 18,40,000 करोड़ की है, और यही नहीं कांग्रेस के समय 27,000 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है कृषि का। कांग्रेस कुछ भी नहीं कृषि की तुलना में। हमने खरीद केंद्र भी बढ़ाए, बैंकों से केवल 7,30,000 करोड़ मिला था 2014 में, कांग्रेस के समय हमारे समय 21 लाख करोड़ रुपया मिला है।